हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सारणिक। सारणिक को क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट कहते हैं। इसके बेसिक के बारे में मैं पार्ट वन में आपको बता चुकी हूँ, पार्ट टू में इसके एग्जांपल भी देखे थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज ए में कैसे टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये सारणिक का मान दे दिया है। अब हम इसको हल करेंगे, कैसे हल करते हैं चलिए देखते हैं। ये किसकी जगह है, ये जो पाँच है वो ए ग्यारह की जगह है। तो जब हम इसको लेंगे, जब पाँच को लेंगे तो इसका जो रो है और ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे या फिर छुपा देंगे। तो बचा क्या हमारे पास, चार। तो इसका क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा, फिर माइनस। अब जब हम इसको लेंगे, सात करोगे, ये किसकी जगह है, ए बारह की जगह, मतलब जो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम उसको छुपा देंगे। तो बचा क्या, दो। तो सात इंटू क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो अब हम इसका बुरा कर लेंगे, तो ये बीस हो जाएगा, माइनस ये सात इंटू दो चौदह हो जाएगा। तो बीस में से चौदह गया तो कितना बचा, छः बचा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि ये दे दिया है कि x सात माइनस दो एक्स माइनस ग्यारह बराबर क्या दिया है, अड़तीस दिया है। तो जब हम इसको लेंगे, हल करेंगे, तो आप पहले इसको एक बार लिख लेना क्वेश्चन में क्या दिया है इसको। तो जब हम तीन एक्स को लेंगे यानी कि ए ग्यारह को लेंगे, तो ये क्या है, कॉलम है, ये क्या है, रो है। तो इसको आपको क्या करना है, छुपा देना है। तो बचा क्या, माइनस ग्यारह। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, फिर माइनस आएगा बीच में। फिर यहाँ हम लोग क्या लेंगे, सात को लेंगे, ये किसकी जगह है, ए बारह की जगह है। तो जब हम सात को लेंगे तो ये वाला जो रो है, ये वाला रो और ये क्या है, कॉलम है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, छिपा देंगे या फिर छोड़ देंगे। तो बचा क्या हमारे पास, माइनस दो एक सौ बचा, तो उसका क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। और इस सभी के बराबर में क्या दिया है, अड़तीस दिया है, इसको लिख लेना है। तो फिर हम इसका गुणा करेंगे, अब तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पैंतीस एक्स हो जाएगा। यहाँ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये चौदह एक्स हो जाएगा बराबर अड़तीस। अब हम ये क्या है, प्लस है और यहाँ, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस पैंतीस एक्स और प्लस चौदह एक्स कितना हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस उन्नीस एक्स। बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा बराबर अड़तीस हो जाएगा। अब हमको क्या क्या करना है, एक्स का मान क्या करना है, तो ये अड़तीस बटा माइनस उन्नीस हो जाएगा। तो x बराबर अड़तीस बटा उन्नीस, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस दो आ जाएगा, नीचे में माइनस है उन्नीस की जगह। तो ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे इस एक्सरसाइज के। तो आप लोग बनाइएगा, साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम के समय दिक्कत ना हो, ठीक है।